विजय चौधरी जी की सोच बहुत ही छोटी है और अदूरदर्शी है। हजारों करोड़ रुपए कौन खाया कमीशन, ये बताना चाहिए ना। नीतीश कुमार की विजय चौधरी खाए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। विनोद शर्मा जी, अभी हालिया आज का बयान आया है विजय चौधरी जी का, जिन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मामले को उजागर करके देश में दंगा भड़काना चाहती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, विजय चौधरी जी की सोच बहुत ही छोटी है और अदूरदर्शी है। पूरे देश में इस बात की चर्चा लंबे समय से हो रही है। जब भाजपा सरकार नहीं थी उस समय भी ये चर्चा होती थी, और निश्चित रूप से लॉ कमीशन ने यह सुझाव मांगा है सभी धार्मिक संस्थानों से, आम जनता से, कि अपनी राय इस पर दीजिए। तो निश्चित रूप से सबको अपनी राय देनी चाहिए, खुलकर पूरे देश की जनता को राय देनी चाहिए। विजय चौधरी को कौन रोका है, विरोध करें? वो तो विरोध करते ही रहे हैं। जब हमारे साथ थे तब तक ठीक थे, और अभी लालू जी के साथ हैं तो स्वाभाविक है कि उनके मन लायक बात करनी होगी। लेकिन करीब करीब सारे देशों में यह लागू है कॉमन सिविल कोड, तो भारत में क्यों नहीं, ये चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से सभी देशवासियों को स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखना चाहिए, सभी संगठनों को रखना चाहिए, और ऐसे बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विरोध करने वाले तो करते ही रहेंगे। विजय चौधरी जी ने यहाँ तक ही कह दिया कि भाजपा चाहती है कि इतिहास जो है उसके सारे यादों को मिटा दिया जाए, और लोगों के बीच, जनता के बीच ये जाए कि 2014 के बाद ही जो है देश में विकास हुआ है, क्योंकि संसद भवन को जो है खंडहर बना दिया गया और नए संसद भवन में सारे लोगों को अब एंट्री मिली है और पुराने को खंडहर बना दिया गया। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पुराने को ख़त्म कर देना चाहती है और ये बताना चाहती है कि 2014 के बाद ही कार्य हुए हैं। देखिए, संसद भवन तो आज बना है, आज उद्घाटन हुआ है, लेकिन माननीय विजय चौधरी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार विधानसभा का पूरा जो अभी नया भवन बना है वो खंडहर से भी बदतर है। अभी से पानी चूने लगे हैं, छत गिरने लगे हैं। हजारों करोड़ रुपए कौन खाया कमीशन, ये बताना चाहिए ना। नीतीश कुमार की विजय चौधरी खाए हैं, ये बिहार की जनता को बताना चाहिए। ये सब बातें ना बनावे, देश आज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वो पुराना भवन था तो स्वाभाविक है, पुराना चीज़ बदलता है, पुराने चीज़ में ज़रूरत पड़ेगा तो और उसमें काम होंगे। लेकिन निश्चित रूप से अभी सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, उस हिसाब से भवन छोटा था तो क्या गलती है, तो वो तो म्यूजियम में परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन अभी विजय चौधरी जी क्यों नहीं बताते हैं कि आखिर बिहार में क्यों बनाया? कई एक वर्षों से पड़ गए, कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें माने जंग लग रहा है, सारे रूम बंद पड़े हैं करीब करीब, और बहुत लंबे समय से उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अभी भी पुराने विधानसभा में काम हो रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी, इस बात को बिहार की जनता को बताना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि भारत जो देश है वो 130 देशों का नेतृत्व किया है, अभी एक दो देश का राष्ट्राध्यक्ष के का समर्थन मिल जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है एक देश के और पूरे विश्व में सबसे बड़े राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, सिर्फ ढकोसला है और ढोंग है। देखिए, बोलने के लिए सबको आज़ादी है, अपनी सीमा है, लेकिन विजय चौधरी जी अपनी सीमा में ही बात करें, क्योंकि नीतीश कुमार से ज़्यादा उनको कुछ नज़र नहीं आता है। नीतीश जी उनके अंतर्राष्ट्रीय नेता नज़र आते हैं, जिनको कभी भी बिहार की जनता ने पूर्ण समर्थन नहीं दिया है, तो उनको कहाँ से नज़र आएगा कि G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है, कई एक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी के पैर नहीं छू रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के लिए गर्व की बात है। तो निश्चित रूप से इन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए, उनके विरोध करने से आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 29 जून को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, क्या सभी जो NDA की पार्टियां हैं सभी को आमंत्रित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ना, निश्चित रूप से जो भी हमारे विचारधारा के हमारे गठबंधन में हैं उन सबको आमंत्रण है, और निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल करके उनका स्वागत करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ये थे भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उससे कोर्ट ने ये मांगा है कि सभी लोग अपना राय को रखें, जबकि विजय चौधरी को नीतीश के सिवाय कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए इस तरीके के बेतुका बयान जो है विजय चौधरी के जो द्वारा दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।